स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मुकेश शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या जानने के लिए जब आप विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां विश्व मानचित्र पर नीले रंग के बहुत सारे छोटे बड़े गोले नजर आते हैं। इन तमाम गोलों में से एक गोला सबसे बड़ा है जो अपने आकार की वजह से एकदम अलग नजर आता है। ये है अमरीका, जहाँ कोरोना वायरस की चपेट में आकर 20 अप्रैल तक 40,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं और लगभग 7.5 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस यूं तो पूरी दुनिया में अपना असर दिखा रहा है, लेकिन जब अमेरिका जैसा अमीर और शक्तिशाली देश कोरोना के आगे बेबस नजर आया तो कई सवाल खड़े हो गए। इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका शुरुआत में कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम क्यों हुआ, क्यों अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट वन, लापरवाही। फरवरी का महीना आप देख लें तो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राजनीतिक रैलियों में बिजी थे, यहाँ तक कि उन्होंने भारत का दौरा भी किया था आखिरी 3-4 दिन जो फरवरी में। उसके अलावा इम्पीचमेंट का भी सिलसिला चल रहा था, उसमें भी अपना राजनीति चल रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप इन्हीं सब में ज्यादा बिजी दिखे और मार्च 10 तक इन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस जो है वो चला जाएगा। एक मौके पे उन्होंने कहा ये एक मिरेकल हो जाएगा, एक मौजजा हो जाएगा और ये चला जाएगा कोरोना वायरस अमरीका से। तो इस तरह की बातें ये 10 मार्च तक करीब करते रहे। ये है न्यूयॉर्क में वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी, हमारे पहले विशेषज्ञ। राष्ट्रपति ट्रंप चमत्कार होने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। अमेरिका में कोरोना की वजह से सबसे अधिक मौतें न्यूयॉर्क में हुईं, जबकि कोरोना का पहला मामला न्यूयॉर्क में नहीं आया था। देखिए, अमेरिका में जो पहला मामला सामने आया वो वाशिंगटन प्रांत में आया। करीब एक 30 साल के लगभग का व्यक्ति था जो वुहान चाइना से 15 जनवरी को आया था और उसको जो 16 जनवरी के करीब उसे ज़रा तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हुई, तो उन्होंने 19 जनवरी को जाके दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई आप टेस्ट करा लीजिए। तो वो जब टेस्ट किया गया कोरोना वायरस के लिए, तो कन्फर्म हुआ 21 जनवरी को कि हाँ ये इनको कोरोना वायरस है। तो वो पहला मामला इस तरह से सामने आया था अमरीका में। 17 जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू हुई है अमरीका के जो और एयरपोर्ट्स हैं जिसमें कि चाइना की फ़्लाइट्स से जो आ रही थी उनको स्क्रीन किया जा रहा था। उसमें सिर्फ 5 एयरपोर्ट थे जिसमें शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा। तो ये सब एयरपोर्ट्स पे जो कहा जाता है कि उस तरह की गहन स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही थी, जबकि सरकार का ये दावा था कि हाँ बड़ी गहन स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम। उसके बाद ये देखा गया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो पहला मामला सामने आया कैलिफोर्निया में। ये फरवरी 26 को दिखा कि एक साहब वहां पर संक्रमित पाए गए जिनका कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका में मुद्दा उठा टेस्टिंग का, लेकिन क्या समय रहते पर्याप्त लोगों का टेस्ट हो पाया? तो उस समय तक भी ये जो टेस्टिंग का मामला था वो उस हद तक नहीं किया जा रहा था कि टेस्टिंग लोगों की इतनी नहीं की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके जो है टारगेट किया जा सके और उस पर रोक लगाई जा सके संक्रमण पर। तो कहा यह जाता है कि टेस्टिंग जो CDC करती है, वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसने फरवरी के आखिर में शुरू किया था एक किट बनाना, जो कि उनको कई हफ्ते उसमें गड़बड़ी ये हो गई कि वो संक्रमित हो गई उनकी लैब और लैब के संक्रमण के कारण जो है कई हफ्ते उसमें बर्बाद हो गए। तो वो टेस्ट किट बना नहीं पाए और जब टेस्ट किट नहीं बनी तो वो जाहिर है कि वो पूरे देश में सारे राज्यों को सारे प्रांतों को भेजने में उनको काफ़ी समय लगा। और हालात ये हैं कि अभी तक टेस्टिंग जो है वो उसके लिए कई गवर्नर जो हैं, कई प्रांतों के गवर्नर शिकायत कर रहे हैं कि टेस्टिंग का किट उपलब्ध नहीं है इस मात्रा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सके। अभी तक टेस्टिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है जैसी कि होनी चाहिए, जिससे कि इसका जो है फैलाव रोका जा सके। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा बदली। पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि आने वाला समय अमेरिका पर भारी पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने जिस तरह से गंभीरता शुरू में दिखाई जानी चाहिए थी वो तो नहीं दिखाई थी, फिर उसके बाद जब इमरजेंसी डिक्लेयर की, फिर उसके बाद 30 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, लोगों को चेताया कि अगले दो हफ्ते जो हैं वो बहुत संगीन होने वाले हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन है, छुपा हुआ एनिमी, हिडन एनिमी करके उन्होंने कहा उसको तो कोरोना वायरस के लिए। तो इस तरह की जब चेतावनी दी तो लोगों में घबराहट भी और हुई थी, उस समय भी ऐसे ही लोग चिंतित थे और लॉकडाउन चल ही रहा, अभी भी चल रहा है, तो एक महीने से ज़्यादा तो अभी ये लॉकडाउन हो चुका है। और उन्होंने उपाय सुझाए हैं प्रांतों को, क्योंकि प्रांतों ने कहा कि भाई हम अपना देख के क्या हालात हैं कोरोना वायरस के उस हिसाब से खोलेंगे और आपके कहने पर नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से उनको कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नर ने सख्त तरीके से कहा कि नहीं, इसमें हम अपने से देख के खोलेंगे और आप कोई बादशाहत के तरीके से कोई हमें फरमान न जारी करें। तो ये सब सिलसिला जारी है, लेकिन लोगों में गंभीरता देखी गई जो कि अब से करीब कह लें आप मध्य मार्च में, उससे पहले लोग इसको हल्के में ले रहे थे और निकल रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई खास नहीं देखी जा रही थी। पार्ट टू, चेतावनी। My name is Jeremy Knindike and I'm a senior policy fellow at the Center for Global Development in Washington. मेरा नाम जेरेमी कुनाइंडक है और मैं वाशिंगटन के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में सीनियर पॉलिसी फेलो हूँ। इबोला संकट के दौरान मैं फॉरेन डिजास्टर असिस्टेंट प्रोग्राम का डायरेक्टर था, तब हमारी टीम ने काफी अच्छा काम किया था। हमारे दूसरे विशेषज्ञ जेरेमी कुनाइंडक साल 2014 में इबोला क्राइसिस के दौरान अमरीकी सरकार के लिए काम कर रहे थे। यहां हम इबोला क्राइसिस का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब अमेरिका ने जो सबक सीखा था कोरोना वायरस के मामले में, वो सबक काफी मददगार साबित हो सकता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इबोला की तरह कोई दूसरा वायरस इतने बड़े पैमाने पर फैल सकता है। हमारा फोकस संभावित विदेशी खतरों पर था, इस वजह से हम घरेलू मोर्चे पर थोड़े सुस्त से हो गए। हमारे दूसरे विशेषज्ञ यानी जेरेमी कुनाइंडक का ये भी मानना है कि अमेरिका के अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन इस चेतावनी को समय रहते कोई नहीं समझ पाया। That became very apparent when we saw cases of domestic spread in a hospital in Dallas. So a man came from Liberia. डैलस के अस्पताल में ऐसा ही हुआ। लाइबेरिया से आए एक व्यक्ति को अस्पताल में ठीक से हैंडल नहीं किया गया, जहां दो नर्सें भी कोरोना से संक्रमित हो गईं। बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई। तभी इस चेतावनी को समझ लेना चाहिए था कि अमेरिका के अस्पताल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान अमेरिका में सरकारी प्रयासों में वो तालमेल नहीं दिखा जिसकी उस समय सख्त जरूरत थी। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी इस महामारी की गंभीरता को समझ नहीं पाया। So this isn't just a failure of a technical element of a diagnostic test, it's a failure of problem. ये सिर्फ तकनीकी नाकामी नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है। ये लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की भी नाकामी है। कई तरह के फंडिंग कट्स हो चुके थे। इससे किसी महामारी से निपटने की क्षमता पर सीधा असर पड़ा। इससे पता चलता है कि अमरीकी प्रशासन कितना गंभीर था। पार्ट थ्री, मनमानी। राष्ट्रपति ट्रंप पर शुरुआत से ही आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस की गंभीरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे उन्होंने बहुत डाउन प्ले किया। सरकार बहुत देर से जागी से लेकर, फिर कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसे बिना बात के बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। यह है विनीत खरे, वॉशिंगटन में BBC संवाददाता, हमारे तीसरे विशेषज्ञ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अमेरिका की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। पहले तो जो कहा गया कि अमेरिका में हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने का या फिर हर जगह स्टे एट होम यानी लोगों से घरों में रहने का आदेश देना, ये कितना सही है, क्योंकि हर जगह न्यूयॉर्क जैसी स्थिति नहीं है। न्यूयॉर्क में जहाँ हालत बहुत खराब हो गई थी, लोग मरने वाले लोगों की संख्या या जो इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या वो बहुत ज्यादा थी, तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि हर जगह न्यूयॉर्क जैसी स्थिति नहीं है, तो आप जिस तरह की गाइडलाइंस आप न्यूयॉर्क में लागू कर रहे हैं या फिर कुछ स्टेट्स जहाँ पर वॉशिंगटन स्टेट हो गया या फिर कैलिफोर्निया हो गया, वहाँ जो स्थिति है उसकी तुलना आप अमेरिका के हर हिस्से से नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थिति है और कई जगह स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क में है।
एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया गया वो ये कि ये कहना कि हर जगह स्टे एट होम ऑर्डर लागू कर दिया जाए या फिर इकॉनमी को एक तरह से शट कर दिया जाए, रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाए, ये कितना सही है और ये संविधान का उल्लंघन है, इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी प्रदर्शन हुए। एक और आर्ग्यूमेंट दिया गया कि अमेरिका के कई इलाके हैं जहां पर वो रूरल इलाके हैं जहां पर लोग पहले ही बहुत दूर रहते हैं, तो वहां पर ये गाइडलाइंस को अलग से या फिर स्टे एट होम ऑर्डर को अलग से लागू करने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी लोग बहुत बहुत दूर रहते हैं। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हफ्तों से या फिर कई वक्त से दिए जाते रहे हैं। तो क्या अमेरिका में कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत के बाद हालात कुछ बदले हैं? क्या अब वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है और सरकार ने, प्रशासन ने शुरुआती लापरवाही से क्या कुछ सबक सीखा है? देखिए, अमेरिका में इतने हजारों लोगों की मौत हो गई है, कई लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन आज भी पेंसिल्वेनिया, टेक्सास और जो दूसरे अमेरिका के इलाके हैं उनमें वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं और लोगों का कहना है कि ये जो खतरा है कोरोना वायरस का उसे बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है, खतरा इतना ज़्यादा नहीं है और संविधान में उन्हें हक दिए गए हैं, वो उस हक के अनुसार ज़िंदगी अपनी बिताएंगे और वो बाहर निकल रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। तो अमरीका एक फ्री सोसाइटी है, लोगों का अपनी ओपिनियन, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ये सब, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर लोग जो बाहर निकल रहे हैं या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि इससे खतरे और बढ़ेंगे और जो अभी जिस तरह से लग रहा है कि न्यूयॉर्क में मामले कम हो रहे हैं या फिर कई ऐसे दूसरे इलाके हैं जहाँ पर इन्फेक्शन के मामले या फिर हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो कम हो रहा है, तो डर ये है कि कहीं एक दोबारा जो वायरस और तेज़ी से ना फैलना शुरू हो जाए और स्थिति ना ख़राब हो, तो इस तरह की चिंता यहाँ पर जताई जा रही है ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें लेकर। Part 4, Gehri Khai. I'm concerned that people will put off care and the disease will progress to a point. मुझे चिंता इस बात की है कि लोगों की देखभाल ठीक से नहीं हुई, इससे बीमारी बढ़ते बढ़ते जानलेवा हो गई। इलाज का मतलब है भारी भरकम बिल। शुरू में एहतियाती कदम उठाकर इस नौबत के आने से बचा जा सकता था। ये हैं एड्रियाना मैकिंटायर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर, हमारी चौथी और आखिरी विशेषज्ञ। उनका मानना है कि अमेरिका में हेल्थ सेक्टर का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है जिसमें कोरोना जैसी किसी भी महामारी से निपटना आसान नहीं है। एड्रियाना मैकिंटायर का इशारा अमेरिका के उन लगभग 3 करोड़ लोगों की तरफ है जिनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है। So if an American is uninsured, they can show up at a hospital or at a doctor's office and try to seek care. हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने पर जब ये लोग इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाते हैं तब उनका इलाज तो होता है, लेकिन उन्हें इस इलाज की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ खबरों के मुताबिक कोरोना टेस्ट की कीमत $50 से $250 के बीच है। टेस्ट के बाद और भी बहुत कुछ होता है जिसका बिल $1,000 तक जा सकता है और इसका भुगतान मरीज को अपनी जेब से ही करना होता है। यहाँ तक कि जिन अमरीकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है उन्हें भी हर साल अपने मेडिकल बिल्स का एक हिस्सा अपनी जेब से चुकाना पड़ता है, इसके बाद ही इंश्योरेंस से बाकी रकम का भुगतान हो पाता है। There is no federal law guaranteeing sick pay. अमेरिका में ऐसा कोई संघीय कानून नहीं है जो सिक लीव लेने पर सैलरी की गारंटी देता हो। अमेरिका में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। अमेरिका में सिक लीव के दौरान सैलरी सभी को नसीब नहीं होती, इनमें रिटेल और फूड सर्विसेज से जुड़े लोग शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो छुट्टी लेकर बैठ ही नहीं सकते, इससे उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाती है। इस मामले में राज्यों और अमरीकी संसद कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। अमरीका में हेल्थ सेक्टर की बात आते ही एक गहरी खाई सामने नजर आती है जिसे पाटना आसान नहीं है। हेल्थ सेक्टर पर सरकार की पकड़ कमजोर है। I'm concerned because we have fewer hospital beds per American than most other मेरी चिंता की वजह ये है कि अमरीका में आबादी के अनुपात में अस्पतालों में बेड बहुत कम है। हमारे पास ICU भी बहुत कम है जिनकी कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अमरीकी ढांचे में कई खामियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर और अलग अलग राज्यों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अमरीका दुनिया का अकेला देश नहीं है जो कोरोना वायरस के संभावित असर को भांपने में विफल हुआ। चीन और ब्रिटेन को भी शुरुआती नाकामियों के बाद अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। फिर भी हमारे विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमरीका के पास पर्याप्त समय था, उसके पास धन की कोई कमी भी नहीं थी। इतना ही नहीं, अमरीका के पास दुनिया के कई बेहतरीन वैज्ञानिक भी हैं। इस हिसाब से अमरीका कोरोना से कहीं बेहतर तरीके से निपट सकता था, लेकिन शुरुआती दिनों में बरती गई लापरवाही की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का कीमती समय अमरीका के हाथ से निकल गया, जिसका नतीजा आज सारी दुनिया के सामने है।